गणतंत्र दिवस को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक। आकर्षण का केंद्र होगा झांकी। 74वें गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अनुमंडल सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बैंक कर्मियों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कार्यालयों और संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ पूर्वभाती की इस वर्ष भी झंडालोतन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झंडालोतन का मुख्य कार्यक्रम ललित कर्पूरी स्टेडियम में होगा। SDO श्री चौधरी ने बताया कि झंडालोतन कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य, मनरेगा और विभिन्न विभाग के द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों के द्वारा परेड का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रेस और प्रशासन के बीच 10-10 ओवरों का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों को के लोगों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग कोरोना काल के बाद पारंपरिक रूप से गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए गणतंत्र दिवस मनाने का अपील किए हैं। राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, BNP न्यूज के लिए। आज आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन के संदर्भ में पदाधिकारियों और अनुमंडल नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित उच्च विद्यालयों और बैंकों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था ताकि कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया जा सके और रूपरेखा तय की जा सके। इसी के तहत यह बैठक आयोजित की गई थी। पूर्व के वर्षों की भांति पिछला इस वर्ष भी 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया है और परंपरागत रूप से अनुमंडल क्षेत्र में जहाँ जहाँ झंडोत्तोलन होता आया है उसी प्रकार से झंडोत्तोलन होगा। मुख्य कार्यक्रम ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उसमें झंडोत्तोलन के अलावा विभिन्न विभागों की झांकियां रहेंगी, परेड होगा, बड़े स्कूली बच्चों का, उच्च विद्यालय के स्कूली बच्चों का परेड होगा और साथ में ही दोपहर बाद पत्रकार एकादश और प्रशासन एकादश के बीच फ्रेंडली 10-10 ओवर के मैच का भी आयोजन करने का